नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर चलते हैं दार्जिलिंग के चाय गार्डन, चाय बागान में। तो ये दार्जिलिंग का चाय बागान पहुंचने के लिए नियरेस्ट बागडोगरा का एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी का रेलवे स्टेशन हो सकता है जहाँ से दार्जिलिंग पहुँचा जा सकता है चाय बागान पे। तो दार्जिलिंग का चाय बागान कैलिम्पोंग और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और इस चाय बागान की जो खासियत है कि इसकी हार्वेस्टिंग मार्च से लेकर के नवंबर तक होती है, और दार्जिलिंग की चाय की जो खुशबू है वो सुबह सुबह सभी लेते हैं। बायोलॉजिकली जो ये प्लांट्स होते हैं, कैमेलिया सिनेसिस प्लांट है जिसकी चाय निकाली जाती है और चाय बनाया जाता है। चाय की जो पहली प्लांट यहाँ पर लगाई गई थी, पहली चीज़ जो चाय को प्रोफेशनली यहाँ पर जब उगाया गया था, मिड 1800 में चाय को यहाँ पर उगाया गया था। और अलग अलग चाय के एस्टेट्स तब से लेकर अभी एस्टेब्लिश्ड हैं, और ये चाय एस्टेट अलग अलग जगह पर हैं और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जो पहाड़ों की जो ढलान होती है, उस ढलान पर ये चाय बहुत अच्छे तरीके से उगती है। तो चाय के जो बागान हैं ये अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स भी बन चुके हैं। तो जो खूबसूरती आप देख रहे हैं चाय के बागान की, तो बादलों के नीचे ये जो बागान है बहुत ही सुंदर लगता है, और बहुत सारे टूरिस्ट इस चाय बागान के कारण आते हैं यहाँ पर। अब आपको मैं बेसिक डिफरेंस जो दार्जिलिंग का चाय है और असम के चाय में भी बताऊँगा, लेकिन उसके पहले ये जो चाय बागान है इसको एक बार एंजॉय करते हैं, देखते हैं इस चाय बागान को। ऑरेंज वैली टी गार्डन, ना उधर चलेंगे हम लोग, अंदर जाएंगे टी गार्डन दार्जिलिंग का। लश green beauty, जो ये दार्जिलिंग की चाय है ये अपने फ्लेवर के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। और ओरिजिनली जो ये सीड्स थे ये चाइना से आए थे, चाय के सीड्स, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने दार्जिलिंग के क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लिया। जो चाय की चुस्की है यहाँ के मौसम के हिसाब से, और ये जो ठंडा मौसम है और ऊपर क्लाउड्स और बादल रहते हैं, तो चाय की चुस्की चाय बागान पर लेना फ्रेश चाय का बहुत ही अद्वितीय है। इसका आनंद बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहता है इसको, और स्वाद चाय का फ्लेवर्स ज़बरदस्त रहते हैं। और दार्जिलिंग की चाय ज़्यादातर चाय को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अंग्रेज़ों के ज़माने से ही जब ये कल्टीवेशन हुआ करती थी, जो दार्जिलिंग में कैलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में और नेपाल तक, भूटान तक, सिक्किम तक इस चाय का स्वाद है, जिस पूरे रीजन के उगाए जाने वाले चाय को दार्जिलिंग चाय के नाम से ही जाना जाता है। और ये जो दार्जिलिंग चाय है ये यहाँ पर लोकली उगा करके, और जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन की चाय होती है उस चाय में फ्लेवर्स कम होता है, और दार्जिलिंग के चाय में कलर हल्का और फ्लेवर ज़्यादा होता है। तो अगर आप अपने डोमेस्टिक चाय के शौकीन हैं, जो चाय हम पीते हैं, तो दार्जिलिंग चाय को हम 50-50 ऐड करके भी वो चाय बनाया जा सकता है, और ताकि इसका फ्लेवर और कलर दोनों ही रिटेन इसके अंदर रह सकता है। तो एनी हाउ, चाय बागान जो है चाय के स्वाद के साथ साथ ये टूरिस्ट इम्पोर्टेंट्स का भी साइट है। पहाड़ों से नीचे उतरते हुए एक दूसरे तरह का बागान चाय का दिखता है, तो आइए इस नीचे उतरते हुए इस चाय के बारे में जानते हैं। ये जो टी गार्डन देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा टी गार्डन प्लेन्स पर है, मतलब ये सिलीगुड़ी के टी गार्डन से, सिलीगुड़ी के प्लेन पे ये सारा का सारा टी गार्डन है। और ऊपर पहाड़ों पर जो टी गार्डन होता है दार्जिलिंग में, उसको कहते हैं चाइना ओरिजिन का टी कहते हैं। और ये जो है ये टी गार्डन जो प्लेन्स पे होता है, प्लेन्स पे जो चाय होता है इसको कहते हैं असम ओरिजिन। और जो असम ओरिजिन का होता है ये दानेदार होती हैं इसकी टी, और जो हम लोग जनरली यूज़ कर जिसको CTC कहते हैं, दानेदार पत्तियों वाली, दानेदार और पत्तियों वाली चाय जो होती है वो उन पहाड़ों पर मिलती है।
तो ये प्लेन्स के टी गार्डन है। दार्जिलिंग के चाय बागान, चाय की चुस्की और गर्मी के मौसम में इसके ठंडक का एहसास, सारा का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि दार्जिलिंग गर्मियों में अगर मौका मिले तो जरूर चाहिएगा। एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगले बार किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।